ग्राम है बिजुआ और आप प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर वीरेंद्र शुक्ला जी, गन्ने की अच्छी खेती करते हैं। अब शुक्ला जी से बात करूंगा कि शुक्ला जी, ये गन्ना कब बोया गया था? ये सर रैटून है। अच्छा रैटून है जी। ये रैटून कटाई कब की गई? कटाई इसकी फरवरी और मार्च, फरवरी लास्ट वीक में और मार्च। मतलब पहली कटाई से और आखिरी कटाई तक जो किया, एक महीने की लगभग टाइमिंग है। जब आपने कटाई कर लिया फिर उसके बाद क्या किया? कटाई के बाद इसमें इसकी मिट्टी बहुत ऊपर तक चढ़ी हुई थी। अच्छा। तो रैटून मैनेजर से पहले इसकी जो जड़ें ऊपर निकल आती हैं उनकी कटवाई, रैटून मैनेजर जो आता है उसी मशीन से, वो नीचे से जुताई भी करती है, कल्टीवेट भी करती है। अच्छा। और उसमें साथ में पीछे से खाद भी पड़ती रहती है। कितने दिन बाद ये रैटून? उसके तत्काल दूसरे तीसरे दिन, दूसरे जितनी कटती जाती थी, 10 नालियां कट गई तो 10 नालियों में रैटून मैनेजर चला करके उसे खाद और पानी एक साथ, और साथ में उसकी टूटी पे कोई फंगस नहीं लगे। जैसे रैटून मैनेजमेंट उसे मैनेजर से कटवा दिया आपने जी, तो फिर पानी और वो खाद कितने दिन बाद दिया? तुरंत दिया जी। पहले तत्काल एकड़ के हिसाब से कितना क्या करते? प्रति एकड़ में 30 किलो यूरिया और 30 किलो एनपीके और साथ में 15 से 20 किलो पोटाश। अच्छा। और उसी ये तो आपने जब ये कटाई हुई और आपने तुरंत कर दिया, उसके बाद फिर आगे? उसके बाद फिर हर 20 से 25 दिन के बाद 25 किलो यूरिया, जो जब तक गन्ने में मिट्टी चढ़ाने लायक ना हो जाए, गुड़ाई और गुड़ाई के तत्काल बाद खाद और खाद के तत्काल बाद पानी और पानी पड़ने के बाद उसी नमी में स्प्रे। एक बार अगर फेंडाल की स्प्रे की 250 लीटर पानी में 500 ml फेंडाल और उसमें जो एनपीके सॉल्युबल है उसको मिला करके स्प्रे। आप कह रहे मिट्टी चढ़ाने तक जी, तो मिट्टी चढ़ाने की स्टेज आ गई? मिट्टी चढ़ाने की स्टेज सर उसमें आ जाती है जून में। जून में आ गई, तो तब तक कितनी बार आपने? तीन बार। फिर आपने मिट्टी चढ़वा दी? मिट्टी चढ़वा दी। तो मिट्टी के आपने इकट्ठा चढ़वा दी या स्टेप में? नहीं, दो बार में। पहली मिट्टी हम चढ़ाते हैं, हाँ। वो ट्रेंच जिससे गन्ने की बुआई होती है उसी से ट्रैक्टर से चढ़ जाती है। अच्छा। और दूसरी मिट्टी जो चढ़ाते हैं वो फावड़े चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं जुलाई के लास्ट वीक में। अच्छा। जब बारिश हो जाती है। तो जब बारिश हो जाती है तो मिट्टी चढ़ाए, फिर बंधाई उस जुलाई में पहली। अच्छा, मिट्टी के चढ़ाने के समय कुछ उर्वरक डालते हैं नाली में? पोटाश। कितना? पोटाश 50 किलो मिट्टी चढ़ाने से पहले उसकी जड़ में पोटाश। पहली मिट्टी चढ़ाने पहले या दूसरी? नहीं, पहली ही मिट्टी, दोबारा हम नहीं डालते। अच्छा। केवल पहली जो आपने मिट्टी ट्रेंच से चढ़ाई थी, 50 किलो पोटाश डाल देते हैं तो नाली में डालते हैं? नाली में ही डालते हैं, ऊपर से मिट्टी चढ़ जाती है। ऊपर से मिट्टी चढ़ गई और फिर दोबारा फावड़े से चढ़ गई जी। ये फावड़े से कितने ट्रेंच से चढ़ाने के बाद फावड़े से कितने दिन बाद चढ़ा? एक महीने बाद सर। अच्छा, एक महीने बाद पहली बंधाई कराने के बाद? पहली बंधाई कराने के बाद जी, तब दूसरी मिट्टी चढ़वाएं जी। जैसे बारिश में जब बारिश होती है गन्ने की लंबाई हो जाती है, फिर गन्ना फैलता है और नीचे फावड़े से मिट्टी चढ़ती है तो उसकी जड़ में मिट्टी जा करके चढ़ जाती है अंदर, इसलिए गन्ना फैलता नहीं। पहली बंधाई इसकी कब हो गई मिट्टी चढ़ाने के बाद? मिट्टी तो आपने जब दूसरी वाली चढ़वाई उसके पहले बंधाई? उसके पहले बंधाई। और फिर दूसरी वाली बंधाई कराते हैं अगस्त। पहली बंधाई से कितने दिन के बाद? पहली बंधाई से 20 से 25 दिन के बाद, जब तक वो कैंची में बांधने लायक ना हो जाएगा। अभी तक दो बंधाई हैं जी, अभी एक बंधाई होनी है पानी लगाने के तत्काल बाद की बंधाई हो जाएगी। अच्छा, अभी और एक बंधाई है। अब ऊपर से जो गन्ना जो फैल रहा है इसका है, ये बाहर की तरफ ना जा करके ऊपर एक बंध लग जाएगा तो ऊपर ही रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये जब दूसरी बंधाई किया है तो ये जो दूसरा वाला बंधन थोड़ा ढीला हो जाता है? जी, ढीला हो जाता है। तो ये ऊपर वाला गन्ना फैलने लगता है? जी जी। अच्छा, ये ऊपर वाला गन्ना फैल भी जाए तो क्या दिक्कत है? तो फैलने में फिर ये होता है कि जब हवा आएगी तो ये नीचे से गिर जाएगा पूरा। तो इसकी कितनी हाइट हो जाएगी गन्ने की, क्या अनुमान? अनुमान करीब करीब 13 से 14 फीट हो जाएगी, कम से कम 13 और 14 फीट, क्योंकि इससे पहले जो इसका आटम था वो 15 से 16 फीट था। और गन्ने का वजन जो ठीक ठाक मोटाई का गन्ना होता है उसका वजन 2 से 2.5 किलो का औसत वजन हो सकता है। गन्ना प्रजाति 238 ही है? 238। तो इसमें कोई रोग तो है नहीं इस बार हमारे में? तो कोई कभी रोग लगा तो क्या लगता है अभी चलेगी प्रजाति? हाँ, अभी चलेगी। अगर हम लोग क्या क्या ऐसे करें इसमें ये चलती रहे? दो मुख्य काम है, अगर कोई बीमारी ना लगे इसके दो मेन काम करने हैं। एक तो फसल चक्र, जैसे अभी हमारा सामने एक धान है, इसमें धान काटने के बाद हम गन्ना बोएंगे तो फसल चक्र एक उसका गैप हो गया। और दूसरा है कि गन्ना बोते समय बीमारी युक्त गन्ना ना हो, साफ सुथरा गन्ना, रोग रहित, और उसको पूरी तरह से आप हीट करके और कार्बेंडाजेम के घोल में मिला करके धुलने के बाद ही उसमें डुबो करके 5 मिनट तब बुआई करें तो बीमारी लगने के चांस 99% घट जाए। तो अभी इस प्रजाति को बचाया जा सकता है? अभी बचाएंगे, हम बुआई भी करेंगे थोड़ी जोर पर। गन्ना तो आपका अच्छा चल रहा है, इसमें कोई रोग तो है नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।